Try this yummy and very easy to make dessert at home and your kids will love it. First of all, एक पैन में 200 grams वाटर लेना है एंड लेट इट बॉयल। हाफ पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली पाउडर ऐड करना है एंड मिक्स करना है अंटिल पाउडर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। नाउ इन ग्लासेस में जेली को डालना है, अगर आप किसी बाउल में बना रहे हैं तो उसमें डाल लें। स्लाइस स्ट्रॉबेरीज ऐड करनी है और ठंडा होने के लिए रख देना है। एक सेपरेट बाउल में हाफ कप मिल्क डालना है और इसमें 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नाउ एक पैन में 1 लीटर दूध लेना है, 1 टेबलस्पून इलायची, 5 टेबलस्पून शक्कर ऐड करके मिक्स कर लें एंड लेट इट बॉइल। उबाल आ चुका है, नाउ कस्टर्ड पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें एंड मेक श्योर कि कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड को हम थिक कंसिस्टेंसी का बनाएंगे। स्टोव से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद बाउल में कस्टर्ड ऐड करें, 1 चॉप्ड एप्पल ऐड करें, 1 कप मिक्स फ्रूट्स ऐड करें और मिक्स कर लें। बहुत ही फ्रूटी और जूसी सा डिज़र्ट रेडी होगा, सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। नाउ इन ग्लासेस में फ्रूटी कस्टर्ड को ऐड करना है। Put some strawberries on top and your yummy, fruity and very easy to make dessert is ready. Serve and enjoy.